गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्वाइन कीजिए भाई, जल्दी ज्वाइन कीजिए। देखिए भाई, आपका जो टॉपिक था, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डालोगे अब आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अब आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इससे पहले हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे और शायद आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर जिससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ये मान के चलिए बर्नौली उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो बर्नौली उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। तो उसके लिए, बर्नौली के लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीख पाओ। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करोगे और उसे आप रिड्यूस करोगे किसमें भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप आसानी से किसको बना पाओगे, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हो तो उस केस में आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए भाई, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। देखिए, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म dy by dx plus function of x into y equals to qx into y की पावर n। इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म dy by dx plus px into y equals to qx into y की पावर n, नाउ वी चेक द लिनियरिटी इन द वेरिएबल y। देखो, पावर ऑफ y वन, पावर ऑफ बाई वन, बट पावर ऑफ बाई एन। इफ एन इक्वल टू जीरो, बाई की पावर जीरो वन, इन दिस केस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ एन इक्वल टू वन, इन दिस केस बाई की पावर वन, बाई की पावर वन एंड बाई की पावर वन, इन दिस केस आल्सो लिनियर। अगर एन की वैल्यू जीरो है और एक है, if value of n equals to 0 and 1, in this case this equation is linear differential equation। if n ki value na to 0 ke equal hai aur na hi aapki 1 ke equal hai, n ki value na to 0 ke equal hai aur na hi 1 ke equal hai, to is case mein aapki ye jo equation hai wo aapki kaisi equation ho jayegi, bernoulli equation ho jayegi। kaisi equation ho jayegi, bernoulli equation ho jayegi, where n not equals to 0 and 1, therefore equation 1 is Bernoulli differential equation। equation 1 is Bernoulli differential equation। हमने क्या कहा, if differential equation is in the form dy by dx plus px into y, dy by dx plus k px into y equals to qx into y की power n, if value of n equals to 0 it convert to linear, if value of n equals to 1 it also convert to linear, if value of n not equals to 0 and 1, अगर value of n not equals to 0 and 1, यदि n की जो value है ना तो 0 के equal है और ना ही 1 के equal है, तो इस केस में ये जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी क्या नहीं होगी, लिनियर नहीं होगी। तो देखिए भाई,
लीनियर नहीं है, ये बर्नौली है। तो बर्नौली को चेक करने के लिए वाई की पावर एन होगा, तो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए वाई इक्वेशन फर्स्ट, इट इज आल्सो रिटन एज, फर्स्ट वी डिवाइड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई वाई की पावर एन, तो वाई की पावर एन से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा वाई की पावर माइनस एन डी वाई वाई डी एक्स प्लस, यहां से डिवाइड कीजिए वाई पी एक्स इंटू वाई की पावर वन, और एन से डिवाइड कर रहे हैं तो वन माइनस एन इक्वल टू क्यू एक्स। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इधर जो y की पावर n है उससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए आपको बर्नौली की सबसे बड़ी पहचान यही होगी कि यहां पे एक ऐसे नंबर मिलेगा आपको जिसका डेरिवेटिव आपका आगे प्रेजेंट होगा, आपको एक ऐसी नंबर मिलेगी या एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट होगा। आपको ये चीज याद रखनी है, हमेशा बर्नौली में आपको यहां पर एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी या ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट होगा। इसको लेट करेंगे और लेट करने के बाद इसे रिड्यूस करेंगे, किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से रिड्यूस करेंगे तो लेट y की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू बी, लेट y की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू बी, तो देयरफॉर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव कीजिए भाई 1 माइनस एन एन एक्स एन माइनस वन, वन सबस्टेट कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस एन एन एक्स एन माइनस वन माइनस का n, अंदर का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव dv वी बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ y की पावर माइनस एन dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एन डी वी वाई डी एक्स, रिप्लेस दीज वैल्यूज इन इक्वेशन टू दीज वैल्यूज इन इक्वेशन टू, देन इक्वेशन टू रिड्यूस टू। देखिए भाई हमने आपको पहचान बताई है, आप आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हो। पहचानने के लिए केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट होगा डेफिनेटली। तो हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया एंड वैल्यू रिप्लेस कर दें इक्वेशन टू में, देन इक्वेशन टू रिड्यूस टू देन। देखिए वैल्यू रिप्लेस कीजिए, वैल्यू ऑफ दिस वन अपॉन वन माइनस एन डी वी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई की पावर वन माइनस एन वी इक्वल्स टू क्यू एक्स, वैल्यू ऑफ क्यू एक्स इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए भाई डी वी वाई डी एक्स वन माइनस एन इंटू पी एक्स इंटू बी वन माइनस एन इंटू क्यू एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए ये इक्वेशन जो है आपकी किसमें रिड्यूस हो गई, लिनियर में। देखो कौन सा वेरिएबल है, वी की पावर वन बी की पावर वन एंड कॉन्स्टेंट, तो दिस इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वाई विच इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वाई, विच इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वाई, विच इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वाई। आपको कुछ नहीं करना है, बर्नौली की पहचान यही है कि n की वैल्यू ना तो जीरो हो ना वन के इक्वल हो, तो y की पावर n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा,
उसको लेट करेंगे, लेट के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपकी बी और एक्स में लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी जो इक्वेशन है वेरिएबल बी एंड एक्स में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, रब कर दें अगर लिख लिया हो तो। गुड मॉर्निंग भाई यतेंद्र जी, समझ तो आ रहा है ना। तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। एनोदर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन, एनोदर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन, एनोदर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन, एनोदर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। देखिए एनोदर फॉर्म ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म डीवाई बाई डी एक्स प्लस एफ बाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स एफ डैश वाई। देखिए मैंने अभी आपको बताया था भाई कि डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट होगा, जिसका डेरिवेटिव जैसे ही आगे प्रेजेंट हो जाएगा आप जस्ट पहचान जाओगे कैसी इक्वेशन है बर्नौली, और बर्नौली को किस में रिड्यूस कर पाओगे आप, लीनियर में रिड्यूस कर पाओगे, लीनियर में। तो इसके लिए लेट करोगे भाई, फर्स्ट लेट एफ बाई इक्वल टू वी, एफ बाई को किसके इक्वल लेट करोगे वी के, डेरिवेटिव दिस एफ डैश बाई अंदर का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, देन बाई फर्स्ट then by first this convert to dv by dx plus f by v function of x qx which is linear in variable v, which is linear differential equation in variable v, in variable v, sorry, वो भी आपकी b में थी और ये भी आपकी किस में आ गई, b में आ गई। अब b में linear आ गई और linear को आप solve करना जानते हो भाई, सबसे पहले integrating factor find करोगे if, फिर इसका complete solution find करोगे। तो first you find if means integrating factor and second find the complete solution of the given differential equation। उसके क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे भाई, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बर्नौली से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए भाई बर्नौली से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर गिवेन विच आर कमिंग इन राजस्थान यूनिवर्सिटी 2011। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर। फर्स्ट यू चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लिनियर और नॉट, पावर अप बाई वन, पावर अप बाई वन, पावर अप बाई टू, लिनियर लिनियर बट नॉट लिनियर, फिर एक्सी पावर टू, एक्सी पावर वन, एक्सी पावर वन, एक्सी पावर टू है तो एक्स में लिनियर नहीं है, बाई में भी लिनियर नहीं है, क्या बर्नौली में कन्वर्ट हो सकता है, क्या होमोजीनियस है, यहाँ पावर थ्री या टू या टू तो, और यहाँ कॉन्स्टेंट तो होमोजीनियस भी नहीं है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस नहीं हो सकता। फिर आपने चेक किया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो रहे सेपरेट,
तो अब देखिए y की पावर 2, यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 1, 1, 1, लेकिन यहाँ पे कितना 2। मैंने बताया n की वैल्यू 0 और 1 के इक्वल ना हो, तो 2 है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, 2 है। सबसे पहले तो यहाँ से मैं डिवाइड कर दूं किसका, 1 माइनस x स्क्वायर का, तो ये आएगा x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y, x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। अब देखो y की पावर 1, y की पावर 1 और y की पावर 2, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर, y की पावर 2। तो फर्स्ट डिवाइड दिस इक्वेशन y की पावर 2, तो y की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो y माइनस 2, यहां से बचेगा आपके पास y इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, एक y से y कैंसिल, और यहां से आपका आएगा x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच इज लिनियर, विच इज वर्नौली, वर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज वर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसका डेरिवेटिव कहां पे प्रेजेंट है भाई, आपका आगे प्रेजेंट है, तो इसको लेट करेंगे, लेट y इनवर्स इक्वल टू बी डेरिवेटिव ऑफ दिस एन एक्स एन माइनस वन dy by dx इक्वल टू माइनस आएगा, तो माइनस का dv by dx, देन y इक्वेशन फर्स्ट, देन y इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू वैल्यू ऑफ दिस माइनस माइनस dv by dx प्लस वैल्यू ऑफ y इनवर्स b, तो ये x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी, वैल्यू ऑफ दिस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए भाई, डीवी बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। पावर ऑफ बी 1, पावर ऑफ बी 1, पावर ऑफ बी कॉन्स्टेंट, सॉरी 0। देखिए विच इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, विच इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल v, v एंड x, v एंड x, therefore फर्स्ट यू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू पी डी एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू ऑफ पी यहां से आपको नजर आ रही होगी भाई, माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डिफरेंशिएशन कीजिए भाई इसका, सॉरी इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन अबव प्रेजेंट है लेकिन 1 बाई 2 में आएगा, तो e की पावर माइनस 2x, तो 1 बाई 2 आ जाएगा आपका, माइनस तो है ही भाई, तो 1 बाई 2 आपका आएगा, तो 1 बाई 2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर अंदर चली जाएगी भाई, लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉक से एंटी लॉक कैंसिल भाई, तो ये आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 3। अब आई एफ आ चुका है, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कीजिए भाई, तो क्या होगा भाई, फिर अब हमारा बाई के स्थान पे कितना वेरिएबल है भाई, v, तो v इंटू आई एफ एंड q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का c, वैल्यू ऑफ आई एफ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ q, हाँ जी क्यों नजर आ रहा है आपको,
minus x upon 1 minus x square, value of if under root 1 minus x square into dx plus का c. अभी ये आएगा आपके पास माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस का c. इसको लेट कीजिए भाई, इसका डेरिवेटिव कहां पे प्रेजेंट है आपका, ऊपर प्रेजेंट है, तो दो से डिवाइड कीजिए, यहां भी आप 2x मानिए और यहां पे आपका 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 dx प्लस का c. इसका डेरिवेटिव कहां पे प्रेजेंट है, एबव प्रेजेंट है, तो सबसे पहले लेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 1 अपॉन टी की पावर 3 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 प्लस का 1, तो इसका जो आंसर आएगा 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस का 1, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट सी. माइनस 1 बाई 2 प्लस का 1 प्लस का 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, और यहाँ भी आपका आएगा प्लस का 1 बाई 2, तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 बाई 2 या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी वी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ बी and you replace the value of b and find the complete solution in the term of y and x, because your question are given in the term of y and x, your question are given in the term of y and x, but your answer are coming in terms of b and x, so you find the answer in term of y and x, therefore you replace the value of b. You replace the value of b equals to y inverse, then you find the required solution of given differential equation. तो देखिए भाई, हाँ भाई सेरा समझ आ रहा है ना? तो देखिए भाई, रब कर रहे हैं भाई लेफ्ट से. Replace the value of b equals to y inverse, then value of this y inverse 1 minus x square equals to 1 minus x square plus ka c. Or solve karo to kar lena, otherwise yahi chhod dena, which is required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation. तो आपकी differential equation का क्या है भाई, required solution है, which is the required solution of given differential equation. तो देखिए भाई, next question. अबे screenshot ले लिया होगा या लिख लिया होगा साथ के साथ. तो देखिए next question आपका, similar case में आपको हमेशा ये याद रखना है कि x के function का एक ऐसा coefficient होगा जिसका डेरिवेटिव dy ओवर dx का कोएफिशिएंट होगा, जिसका डेरिवेटिव आपका आगे प्रेजेंट होगा. जैसे ही आप डेरिवेटिव को पहचान पाओगे तो उस केस में आप बर्नौली को भी पहचान लोगे, और जैसे ही आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लेते हो तो उस केस में, जैसे ही आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लेते हो तो उसे आप लीनियर में कन्वर्ट कर पाओगे. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आर गिवन to dy by dx minus by sec x equals to y cube tan x. y cube y and y
तो y क्यों आ रहा है यहां से n not equals to 0 and 1, तो फर्स्ट यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय y की पावर 3, तो डिवाइड कीजिए y, तो y माइनस 3 dy by dx, यहां से बचेगा y की पावर माइनस 2 sec x, और यहां से आपका बचेगा tan x, which is one knowledge differential equation. Let derivative of this present here. Let y minus 2 equals to b. Derivative of this minus 2 y minus 3 dy by dx equals to dv by dx. Values of this putting in equation number first, then y equation first, differential equation first. Value of this minus dv by dx, y minus 2v sec x equals to tan x. Sec x equals to tan x. Minus as a common. V sec x equals to tan x. V equals to sec x plus k tan x. देखिए भाई, सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, कृपया करके जस्ट एक मिनट में अभी आप रिजॉइन कीजिए,